टू मोहिनी जी का यहाँ पर देखिए आज गाना शूट हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार से गाने की शूटिंग चल रही है और लोगों की भीड़। आपकी पत्नी जी कह रही है अरे कहो प्रधान कब करई बदर सनवा हो कहो प्रधान। नहीं बात करेंगे इंसान हूँ इंसान से मुलाकात करेंगे कि हर जात और धर्म की दीवार तोड़कर सूखे हुए चमन में बरसात करेंगे। नजर आए मातू ही तू जिधर जाए नजर या में चांद उगल माया चांद उगल माया। जौनपुर में जौनपुर पे गणेशपुर गांव में हम लोग इस समय और आपको बता दें कि यही वो नीम का पेड़ है जिस पर नीम का पेड़ दिखाइए छायाकर महोदय नीम का पेड़ दिखाइए जिस पर नीम का पेड़ जिस पर शीतला जी का जैसा कहा जा रहा है कि वास है। और आपको बता दें कि मंजू मोहिनी जी का यहाँ पर देखिए आज गाना शूट हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार से गाने की शूटिंग चल रही है और लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार उमड़ी हुई है। हम चाहेंगे छायाकर महोदय दाएँ और बाएँ दोनों तरफ घुमा करके दिखा दीजिए कितनी पब्लिक जो है यहाँ पर आई हुई है। कुछ चिपाजी लोग भी हैं वो भी यहाँ पर देखिए कुछ वीडियो को शूट कर रहे हैं और इधर भी देखिए कुछ इधर भी पब्लिक को हम दिखाना चाहेंगे और उनके कैमरामैन पर एक बार फोकस करिए जो कैमरा मंजू मोहिनी जी का देखिए कैमरा चला रहे हैं और उनको देख सकते हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि मंजू मोहिनी जी का आपने गाना हमारे चैनल के माध्यम से सुना होगा प्रधानी का जो लोकगीत है बड़ा इनका वायरल हुआ था और इस पर भी हम लोगों ने उनसे इस पर भी गीत उनसे लिया है और काफ़ी अच्छी प्रस्तुति रहती है और आप लोगों का प्यार भी बड़ा ज़बरदस्त उनको मिलता है। फिलहाल आइए चले चलते हैं इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और इनसे कुछ गीतों को भी सुनने का प्रयास करते हैं। माता का अवतार ये जो माँ विंध्यवासिनी का स्वरूप है वो इस नीम के पेड़ में उजागर हुआ है और बड़ा तेजी के साथ लोग यहाँ पर दर्शन करने भी आ रहे हैं। आप भीड़ भी देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त लोगों की भीड़ लगी हुई है और इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर देखिए मंजू मोहिनी जी जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ जो है गोरख भैया हैं और इनसे पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है मंजू मोहिनी जी से भी पहले भी मुलाकात हो चुकी है चूँकि पहले यहाँ पर पहुँचने के लिए रास्ता बड़ा गड़बड़ था और इस पर कुछ गीत के माध्यम से प्रधान को संदेश देना चाहती है मंजू मोहिनी जी। सबसे पहले हम चाहेंगे एक बार अपना फिर से आप परिचय अपने मुख से बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी लोग भैया के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू मोहिनी करती है और मंजू मोहिनी ऑफिशियल से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं बहुत खुशी मिलती है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदैव के लिए आभारी रहूँगी आप सबके लिए। जी जैसा कि अभी यहाँ पर आने के लिए रास्ता आप देखी थी पहली बार आई होंगी तो काफ़ी गड़बड़ था रास्ता लेकिन अब यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा उसको बनाया गया है और प्रधान के लिए भी कुछ गीत हो जाए जो कि इसको कुछ अपने तौर तरीके से कुछ इसमें सहयोग कर सकें। जी अब मैं यहाँ आने के बाद सबसे पता चला कि प्रधान साहब यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे जी। और लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए जुट गए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी को मेरी तरफ से और आप यहाँ के पूरे रास्ता जो है क्लियर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपके गांव में शीतला मैया का वास हुआ है चमत्कार हुआ है दर्शन पाने के लिए आप आए थे आप खुद ही देखे थे तो ऐसे ही आप अपनी पत्नी को साथ में नहीं लाए थे तो मैं गीत के माध्यम से ये कहूँगी कि आपकी पत्नी जी आपसे दर्शन करने के लिए मैया शीतला का कह रही हैं उसी गीत के माध्यम से आप सुनिएगा और मेरी आपसे अपील है कि यहाँ की जो भी समस्याएँ हैं आप दूर करिएगा। आप इस गांव के मुखिया हैं तो लोगों ने आपको चुना है तो कुछ समझ के चुना है जी, जी, लोगों की तकलीफें दूर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आइए सुनाते हैं अरे काहो प्रधान ये आपकी पत्नी जी कह रही हैं अरे काहो प्रधान कब करई बदर सनवा हो काहो प्रधान कब करई बदर सनवा हो काहो प्रधान गौआ के चौराई गौआ के चौराई मैं घर मायनवा हो काहो प्रधान कब करई बदर सनवा हो काहो प्रधान अगली गौआ में मैया शेरवाली हो पूजन अर्चन करब सजाई के थाली हो अगली गौआ में मैया शेरवाली हो पूजन अर्चन करब सजाई के थाली हो कौनो ना बहाना करा चला तनी हाली हो कौनो ना बहाना करा चला तनी हाली हो माँ दुआरा भीड़ भई पहुँचत हर सवाली हो नर नारी बूढ़े जुटे नर नारी बूढ़े जुटे लइका यौ सयनवा हो काहो प्रधान कब करई बदर सनवा हो काहो प्रधान। और क्या कहती हैं एक बार ताली बजा दिया आप ताली लोग बजाइए भाई देखिए दर्शक यहाँ पर हैं और जयकारा
लगा दीजिए, बोली शीतले मैया की। क्या बात है, मेरे साथ तालियों के साथ आप सब रहेंगे, सहयोग करेंगे। दोनों जने चला चली साथ परिवरवा हो, सुखवा के भीख मांगब पसारी या चरवा हो। दोनों जने चला चली साथ परिवरवा हो, सुखवा के भीख मांगब पसारी या चरवा हो। भैया बिरजे से तू चला मां दुअरवा हो, रही रही हिलोर मारत मंजू बाही अरवा हो। लल्लन नादान चुमब, लल्लन नादान चुमब माई के चरणवा हो। का हो प्रधान, अरे का हो प्रधान, कब करई बदर सनवा हो। का हो प्रधान, कब करई बदर सनवा हो। का हो प्रधान। तो देखिये, प्रधान की पत्नी अपने पति से यानी कि प्रधान से कहती है कि कब कराएंगे दर्शन। और यहाँ पर आए थे प्रधान जी, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आई थी, अपने मतलब पत्नी को वो लेकर नहीं आए थे। और ये गीत के बोल थे, आपने इस गीत के बोल को सुना और इसी पर इनका एक गीत था पहले की, का हो प्रधान बड़ा रुपया रेलत बाटे, वो भी बड़ा वायरल हुआ था। और उसके बाद इस देवी गीत को भी राइटर महोदय, इनके गुरु हैं ललन यादव, ललन नादान जी हैं। और कैसे ये प्रेरणा मिली इस गीत को लिखने का? ऐसा आप अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम प्रवीण सिंह है। हाँ प्रवीण सिंह सर, ऐसी बात है कि मैं 45 वर्षों से हूँ इस फील्ड में। जी जी। मेरा नाम जिससे नादान है, मैं इसमें नादान हूँ जी। और इस वक्त 56 चल रहा हूँ। 56 जी जी जी। तो बहुत जद्दोजहद के बाद लिखना पड़ रहा है, समाज के लिए बहुत कुछ लिख रहे हैं जी। तमाम हर पार्टी के लिए, हर कलाकार के लिए, 50 किलोमीटर के लिए जितने भी कलाकार हैं सब मेरे लिखा गाते हैं। मैं खुद गायक गीतकार सब कुछ हूँ, लगातार BDC भी रह चुका अपने क्षेत्र से। जी जी जी। और एक छोटा सा गीत आपके माध्यम से, आपके चैनल के जरिए, पी के न्यूज के जरिए, और हमारी अभी जो लाडली है जी, इत्तेफाक है कि अभी 1.5 महीने मुलाकात हुआ सिंह साहब जी। अगर इसके पहले हम लोगों की मुलाकात हुई होती तो आज हम लोग पूरी दुनिया में रन कर रहे होते हैं। और भी कारनामा हुआ रहा है कि तो जल्द रन होगा, बहुत जल्दी। अब माँ के धाम में हम लोग हैं, और जहाँ से कितने दूर से लोग आ रहे हैं, तो कहा गया ना कि जहाँ न पहुँचे रहे वहाँ पहुँचते हैं कभी। तो हमारे कवि जी ने कहा, अगर यहाँ पे अगर आज आगमन हुआ है तो फिर कुछ अलग ही होगा वहाँ के दरबार में। तो देखिए, आपको बता दें कि ललन नादान जी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जो सोचिए कि मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्ति हिंदू धर्म के लिए इतने अच्छे लोकगीत लगातार लिखते जा रहे हैं, और लोगों को अपने कलमबद्ध जो गीत हैं उसको मंजू मोहिनी जी के गीतों के द्वारा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास है। कुछ इनके भी गीत हैं, इनके भी मुख से सुनते हैं। सिंह साहब, एक मक दरवान पहुँचने पर कहना है अपने शहर के जरिए, मेरा बहुत मशहूर शहर है जिसे सभी लोग जानते हैं कि ये अपना हिंदुस्तान जो है गंगा जमुनी तहजीब का है, कि मंदिर में है मौजूद न मस्जिद में छुपा है, जिस दिल में मोहब्बत हो उसी दिल में खुदा है। क्या बात है, मतलब ये उनके लिए पैगाम है। यही पैगाम है कि मंदिर में है मौजूद न मस्जिद में छुपा है, जिस दिल में मोहब्बत हो उसी दिल में खुदा है। जी जी जी। और सिंह साहब, कि न हिंदू बन के जीना न मुसलमान बन के जीना, जीना है अगर यारो तो इंसान बन के जीना। तो मतलब समझिए, आप समझ सकते हैं कि मतलब उनके लिए कट्टरपंथियों के लिए एक संदेश है ललन जी के द्वारा। और एक, हम हिंदू मुसलमान की नहीं बात करेंगे मंजू बेटी, हम हिंदू मुसलमान की नहीं बात करेंगे, इंसान हूँ इंसान से मुलाकात करेंगे कि हर जात और धर्म की दीवार तोड़कर सूखे हुए चमन में बरसात करेंगे। क्या बात है। मगदरबान वाले पर बस कहना है कि एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, अरे एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, मेरी माँ अपना लखते जिगर देख ले। क्या बात है। मेरी माँ अपना लखते जिगर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, छोड़ कर तेरा दर हम किधर जाएंगे। गोरख भाई जी जी। छोड़ कर तेरा दर हम किधर जाएंगे, तेरे बिन मेरी माँ। सिंह साहब,
अरे तेरे बिन मेरी माँ हम तो मर जाएंगे। जब से इनका आगमन हुआ है ये स्वर्ग हो गया है। जी जी जी। अरे छोड़ कर तेरा दर हम किधर जाएंगे, तेरे बिन मेरी माँ हम तो मर जाएंगे। ममता वाली नजर से इधर देख ले गौर भैया, अरे ममता वाली नजर से इधर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, मेरी माँ अपना लखते जिगर देख ले। लखते जिगर ये बहुत प्यारा सपूत हो सिंह साहब, वो का लखते जिगर बोला दिल के टुकड़ा जगह बोले जाते। मेरी माँ अपना लखते जिगर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, तेरे जैसा है जग में ना दाता कोई। मस मीठी चीज सिंह साहब क्यों ना होते ही? मस मीठी चीज कोई चीज नहीं। नजर की प्यास मुझे माँ का अगर दीदार हो जाए, नजर की प्यास मुझे माँ का अगर दीदार हो जाए, भंवर में डूबती कश्ती का बेड़ा पार हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। बहुत ही है निराली शान यह जानती दुनिया, खड़े हैं कब से दर पे हम कर्म एक बार हो जाए। क्या बात। अरे तेरे जैसा है जग में ना दाता कोई, झोली भर जाती खाली ना जाता कोई। तेरे जैसा है जग में ना दाता कोई, झोली भर जाती खाली न जाता कोई। एक झलक तेरी कोई अगर देख ले, एक झलक जोरदार ताली एक बार हो जाए। हाँ। भाई जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी। अरे एक झलक तेरी कोई अगर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख। आखिरी आखिरी बात, अरे लल्लन नादा के दिल में यही आरजू। ये तमन्ना थी कि मैं भी चलकर देखूं, और हम मंजू मोहिनी आयत पूरी दुनिया देख चुकी, लाखों की भीड़ है। अरे लल्लन नादा के दिल में यही आरजू, लल्लन मंजू के दिल में यही आरजू, लल्लन ममता के दिल में यही आरजू। जिधर जाए नजर आए माँ तू ही तू, जिधर जाए नजर आए माँ तू ही तू। हो सफल जीवन जितने लोग आ रहे हैं जी सिंह साहब, अरे हो सफल जीवन जो तेरा दर देख ले गौर भाई, अरे हो सफल जीवन जो तेरा दर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, मेरी माँ अपना लखते जिगर देख ले, मेरी माँ अपना लखते जिगर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, एक नजर देख। तो देखिए ललन भाई साहब के द्वारा पहले सांप्रदायिक लोगों को एक सौहार्द के लिए यहाँ पर दिया गया एक संदेश है, और फिलहाल देखिए कुछ मंजू मोहिनी जी हैं, इनसे एक गीत हम और सुनना चाहेंगे। सर सिंह साहब एक संदेश देना चाहते दो लाइन में। कि हमका मंदिर मस्जिद दोनों अरे समान बबुआ, क्या बात है। कि हमका मंदिर मस्जिद दोनों अरे समान बबुआ, अरे चाहे राम कही चाहे रहमान बबुआ, चाहे राम कही चाहे रहमान बबुआ। राम गुरुदेव आप जैसे कभी ऐसे ही हम लोगों के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रहे, एक न एक दिन पूरा जिला नहीं पूरा देश ही लेगा। जय माता दी, हर हर महादेव। फिलहाल देखिए हमारे साथ देखिए मंजू मोहिनी जी की टीम और ललन जी हैं, जो कि इनके राइटर हैं। लगातार इनके गीत जो है मंजू मोहिनी जी के द्वारा गाए जा रहे हैं और लगातार वायरल भी हो रहे हैं। जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगी गीत के माध्यम से। सातो बहनी चलेली बजरिया सहरिया में चांद उगल मैया, सातो बहनी चलेली बजरिया सहरिया में चांद उगल मैया, चांद उगल मैया हो चांद उगल
तो बहनी चले ली बजरिया सहरिया में चांद उगल मैया लहंगा या साड़ी माँ के मनहु न भावे मनहु न भावे हो मनहु न भावे लहंगा या साड़ी माँ के मनहु न भावे पड़ी गई ले चुनरी पे नजरिया सहरिया में चांद उगल मैया पड़ी गई ले चुनरी पे नजरिया सहरिया में चांद उगल मैया सातो बहनी चले ली बजरिया सहरिया में चांद उगल मैया। चले बहुत सुंदर। देखिए हम लोग इस समय थे और फिलहाल आपने देखा कि किस प्रकार से जो देवी का वास हुआ यहाँ पर, लोगों की भीड़ जबरदस्त लग रही है। इसी बीच लोग गायक लोग गीत जो है कि यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना इनके गीतों को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। ये हमारा प्रयास कैसा लगा और इनके गीतों के बारे में क्या सोचते हैं और कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल मिलते हैं एक नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।